तो हाय गाइस, हेलो, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग. आज है दुर्गा पूजा, सो आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा आप लोग सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा. और आज जा रहे हैं गुवाहाटी. अभी बज रहे हैं 6:20 इन द मॉर्निंग. और हम लोग ये ट्रिप करने वाले हैं बाय रोड, बाय कार पे. बाइक पे नहीं जा रहे हैं इस बार. जो तो लॉकडाउन के बाद, 6-7 महीने के बाद आज जा रहे हैं गुवाहाटी. थोड़ा कुछ काम है इसलिए सडनली प्लान बना कि चलो गुवाहाटी चलते हैं. थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. तो चलिए चलते हैं गुवाहाटी. बाहर अभी मिलते हैं रोड पर क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है. हम लोग को निकलना था 5:30 बजे, लेकिन अभी हो चुका है 6:20. तो चलिए मिलते हैं रोड पे. हेलो, गुड मॉर्निंग. हम लोग जा रहे हैं अभी गुवाहाटी ऑन द वे. कब तक पहुंचते हैं देखते हैं. अभी आप लोग रास्ते का मज़ा लीजिए. अभी है हम लोग तिनसुकिया बाईपास में. बारिश का मौसम है, अच्छा सुहाना मौसम है. कितने देर तक पहुंचते हैं देखते हैं. तो आप लोग लीजिए रास्ते का मज़ा, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आगे. बाय बाय. हेलो गाइस, देखिए कितना हंसी नज़ारा है. नज़ारे का मज़ा लेते हुए ड्राइव करते हुए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हाथियाली. पानीतोला क्रॉस कर चुका है. अभी हम लोग हैं रास्ते में. रास्ता बहुत ही अच्छा है. देखते हैं कितना. और सुबह का ड्राइव करने से एक फ़ायदा ज़रूर है कि ट्रैफिक कम मिलता है. अभी फ़िलहाल देखिए ट्रैफिक है नहीं. एक आध गाड़ी आपको मिलेगा देखने के लिए, ऑटो वगैरह सब तो मिलेगा ही. सुबह का लोग का चालू हो जाता है. सुबह का चालू हो जाता है, क्या करें. बहुत मस्त ही मस्त रोड है. हमारे असम सरकार का आंख खुल चुका है अभी रोड के ऊपर में, क्योंकि ये रास्ता जो है पहले बहुत ही खराब था, अभी बहुत ही मतलब अच्छा है, बढ़िया. क्लाउड देखिए, बारिश तो और भी आने का आसार है. कितना मतलब क्लाउडी करके रखा है, पूरा बादल हो के रखा है. तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं आगे. बाय बाय. ये देखिए रास्ते में गाय चलते हुए, जैसे उन लोग का ही रास्ता है. क्या करे, गाय तो गाय ही है. आप पठार में बांधिए या 5-स्टार होटल में बांधिए, जहाँ पे बांधिए वो वहीं पे रहेगा. कुछ भी बोलिए, वो लोग का बैक गियर तो है नहीं, चलते रहेगा तो चलते ही रहेगा आगे में. और हम लोग असम में, अपर असम में ज़्यादातर रास्ते में ही सब खाना पीना सब कुछ रास्ते में ही होता है. जो भी हो, अच्छा लग रहा है ड्राइव करते वक्त. ठंडा ठंडा मौसम है. तो मिलते हैं आगे, शायद डिब्रूगढ़ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में. उसके बाद क्या होता है दिखाते हैं आप लोगों को. दिखाते हैं, दिखाते हैं, जरूर दिखाते हैं. बाय बाय. देखिए ब्रह्मपुत्र हमारे नेशनल हाईवे 37 पे हो चुका है. ऐसा ही बारिश हुआ है कि पूरा पानी ही पानी ब्रह्मपुत्र हो चुका है. ब्रह्मपुत्र ये है चबुआ. बारिश के वजह से पूरा रास्ते में नेशनल हाईवे 37 है ये, उसमें पूरा ही पानी हो चुका है. ये सब
चबुआ म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह है चबुआ और ये जो है चीफ मिनिस्टर को भी देखना चाहिए, हमारे असम की मंत्री उन लोग को बारिश के मौसम में इधर पे लाना चाहिए। देखिए देखिए उसका ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है और क्या कहीं आपको। चलिए मिलते हैं आगे, बाय बाय। वो जगह मुझे जब भी मैं आता हूँ जगह जो है बहुत ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही ये कुछ अलग ही जगह का नज़ारा। अभी देखिए ये जो है ये पोर्शन है जो दोनों तरफ पेड़ है, आगे भी है, दिखाता हूँ आप लोगों को। बारिश का मौसम क्या अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ये जो जगह है ये देखिए, ये दोनों तरफ कितना अच्छा लगता है ना, पूरा पेड़ दोनों तरफ, बीच से ये सड़क कितना अच्छा लग रहा है। नज़ारा तो होना चाहिए ऐसा कि मन खुश हो जाए। पहुंच चुके हैं मोरान, अभी रुके हैं हम लोग मोरान में, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख भी लगा है, चलिए खाने पे। तो अभी हम लोग हैं शर्मा स्वीट में, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने का बाद हम लोग निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। अभी फ़िलहाल है मोरान में, जर्नी वगैरह अच्छा ही रहा। ये आ गया ब्रेकफास्ट, पूड़ी, मटर, हेलो। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हम लोग हैं मोरान में, मोरान से अभी निकलेंगे हम लोग, निकल के उसके बाद मिलते हैं रास्ते में। फिर गुवाहाटी से वापस कब आना है वो गुवाहाटी जाने का बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये होटल शर्मा स्वीट, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि मोरान अगर आते हैं तो यही होटल में आप ब्रेकफास्ट वगैरह करें सुबह के टाइम पे। तो मिलते हैं रास्ते पे, मिलते हैं। टू ऑन द वे टू गुवाहाटी, अभी हम लोग सेपोन पार कर चुके हैं और देखिए टी गार्डन कितना मस्त लग रहा है। और ये जो रोड है ये रास्ता बहुत ही अच्छा बन रहा है, अभी अभी ये वन वे हो रहा है धीरे धीरे, एक साइड का थोड़ा थोड़ा हो रहा है, दूसरा साइड का होने वाला है, बन रहा है धीरे धीरे। अभी देखिए क्या होता है, कितना टाइम लगता है, करीब करीब एक दो साल में तो हो जाना चाहिए। अगर अगर हो जाता है कि मैं एक दो साल में अगर हो जाता है ये रास्ता वन वे, तो तिनसुकिया टू गुवाहाटी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 घंटा 7 घंटा जैसा लगेगा। तो उसके बाद आराम से आप गुवाहाटी जा सकते हैं, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मस्त नज़ारे का मस्त लेते हुए, नज़ारे नज़ारे कितने मस्त नज़ारे हैं, देखिए अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आगे, बाय बाय।
अभी हम लोग हैं टुवर्ड्स गुवाहाटी ऑन द वे। बारिश भी गिर रहा है और मौसम देखिए कितना बारिश बारिश हो के रखा है चारों तरफ। हम लोग आए इधर से और जाना है इधर, तो देखते हैं कितने देर तक पहुंचते हैं। अभी शायद 10:30 हो रहा है। अभी कितना टाइम लगता है कितना क्या देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं नुमलीगढ़ ढाबा। अभी हम लोग यहाँ में खाना खाएंगे। अभी खाना खाना है और उसके बाद जाना है गुवाहाटी। अभी हम लोग हैं, मैं हूँ अभी नुमलीगढ़ ढाबा में, क्योंकि कभी भी पहले तो ये कभी भी अगर हम लोग मैं गुवाहाटी जाता हूँ तो नुमलीगढ़ ढाबे में ही लंच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ढाबा है ये बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि ये ढाबे में ही आप लोग खाना खाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं रोड पे। ये है नुमलीगढ़ ढाबा का बैक साइड, जो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये जो दो पोखड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फिश है मच्छी है यहीं पे लोग रखते हैं पालते हैं, उसके बाद यहीं से ही उठा के ये ढाबे में बनाते हैं, तो अच्छा लगता है ना यहाँ पे। अभी हम लोग निकल चुके हैं नुमलीगढ़ से। अभी देखिए पूरा बारिश ही बारिश चल रहा है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बोकाघाट से आप लोगों को देखने मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये है नुमलीगढ़, उसके बाद मिलेंगे बोकाघाट, उसके बाद जखला बंधा को भी नहीं, उसके बाद मिलेगा और दूसरा कुछ बने रहिए, देखने में मिलेगा सब कुछ। तो ये है काजीरंगा, देखिए मस्त लग रहा है। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क असम। अभी हम लोग काजीरंगा से ही गुजर रहे हैं गुवाहाटी के तरफ। यहाँ पे कुछ माइलस्टोन दिया गया है कि 40 पिकअप में ही जाने के लिए 40 स्पीड 40 स्पीड पे से। अभी हम लोग हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, और आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा जो फेमस है राइनो, वन फॉर राइनो का जो राइनो है वो काजीरंगा में ही असम में ही मिलता है। ये जो आप दिख रहा है ना आपको, ये कहाँ गया, ये जो दिख रहा है ना यही है राइनो, वो घुस गया, मतलब वो अंदर चला गया।
जंगल है ना सारा। नहीं और एक है क्या? नहीं वो घुस गया अंदर। बहुत ही मतलब ये वर्ल्ड में आपको यहीं पे मिलेगा ये राइनो। सही है, ये पूरा ही एरिया नेशनल पार्क के अंदर में आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है। देख रहे हैं पूरा मस्त लग रहा था, वो अंदर चला गया। नसीब ख़राब है यार, नसीब बहुत ही ख़राब है। इस जगह में ही है। निकल जा भाई, हाय गौड़ भाई, राइनो भाई, निकल जाओ राइनो भाई। चलो दिखा नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम अगर गुवाहाटी से आते वक्त आप लोग मिलता है देखने के लिए तो दिखाएंगे ज़रूर। मिलते हैं आगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं कौन से डू जोगला बंदा। अभी पहुँचे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है रोटी वगैरह खाना, और आपको दिखा रहे हैं ये मेरा दादी जो हम लोगों के साथ जा रहे हैं गुवाहाटी। किमा कबो नहीं की तो कुछ बोल रहा है। अभी कुछ खा लेते हैं उसके बाद पहुंचते हैं गुवाहाटी, तो मिलते हैं रास्ते में। गणेश जी देखिए, गणेश कितना बड़ा है, गणेश जी है, हाथी। हेलो, तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, गुवाहाटी पे। गुवाहाटी पहुँच चुका हूँ करीब 8 बजे पहुँच चुका हूँ। थोड़ा सा देरी हो गया क्योंकि रास्ते में रुक के आए हैं, और थोड़ा बहुत रास्ता भी थोड़ा बहुत ख़राब था, इसलिए अभी जस्ट आधा घंटा हुआ पहुँचा गुवाहाटी पे। अभी कल दूसरा जगह जाना है, थोड़ा सा मार्केट में भी जाना है, और थोड़ा सा मेरा भांजा भी गुवाहाटी में है जो ट्रेनिंग में है अभी, उसके वहाँ भी जाना है। उसके बाद मुझे चांदमारी या लाकटोकिया उधर भी जाना है, तो देखते हैं कल क्या होता है। आज का जो वीडियो ये है, ये आज का ही अभी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो एडिटिंग उतना नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करता हूँ, लेकिन जो वीडियो में रिकॉर्डिंग करता हूँ वही मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आएगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि उतना मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। ये देखिए मेरा पीछे गुवाहाटी पूरा, मैं अभी हूँ टेरेस में, पूरा खेतम खेत पूरा पीछे उधर गुवाहाटी में। उस तरफ शेड के बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शेड के बाहर पूरा बारिश हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। तो इसको वीडियो को करते हैं समाप्त यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करो यार, कुछ नहीं होता है। थैंक यू एंड राइड सेव। मैं आज तो कार लेके आया अपना, और नेक्स्ट टाइम तो मैं बाइक से ही आने वाला हूँ क्योंकि बारिश भी दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा काम भी था, और भी 3-4 जन आए हैं, तो इसलिए मैं कार पे आया। तो नेक्स्ट टाइम बाइक में आने वाला हूँ और राइड करने वाला हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक होता है। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे क्योंकि बहुत देर हो चुका है, लंबा भी हो सकता है वीडियो, या तो मैं एडिट करके मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और
राइट सेव कीजिए और आप अच्छे से रहिए, यही मेरा विनती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।